डियर मॉडर्न स्टार डे यू विल राइट डिटेल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सिक्स. चैप्टर सिक्स नेम इज एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके सो स्टूडेंट टेक योर बुक एंड कॉपी बोथ एंड ओपन पेज नंबर 66 एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7B. ओके क्वेश्चन नंबर 7B इज डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस वेजिटेशन ऑफ अ रीजन. गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स. आपको इसके लिए सुटेबल एग्जाम्पल देना होगा. क्वेश्चन में पूछा गया डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी भी क्षेत्र के वनस्पति को. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति को, वहाँ के पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित करता है. गिव सुटेबल एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देना होगा. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके सो स्टार्ट राइटिंग आंसर ऑफ 7B. एशिया हैज अ डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज ऑफ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. फुल स्टॉप. ईच क्लाइमेटिक कंडीशन हैज अ डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. फुल स्टॉप. रेनफॉल एंड सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ अ रीजन. ओके इट मीन्स वर्षा और वहाँ की जो सॉइल मिट्टी है वो किसी भी क्षेत्र की वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है. फाइव मेजर वेजिटेशन फाउंड इन एशिया आर एज फॉलोज. ओके इट मीन्स फाइव वेजिटेशन जो है वो मेजर वेजिटेशन है एशिया में, जो कि नीचे दिए गए हैं. नंबर वन टूंड्रा वेजिटेशन. फर्स्ट हेडिंग यू विल राइट टूंड्रा वेजिटेशन. दिस इज फाउंड इन द आर्कटिक कोस्ट वेयर देयर आर लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स. जहाँ पर लंबी और जो बहुत ही ठंडी कोल्ड विंटर्स होती हैं. फुल स्टॉप. द लैंड इज कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग दिस पीरियड. फुल स्टॉप. ड्यूरिंग द समर्स द स्नो मेल्ट्स एंड मॉस लाइकेन एंड शॉर्ट बुशेस कैन बी फाउंड. फुल स्टॉप. ओके नेक्स्ट टैगा और कोनीफेरस फॉरेस्ट. दिस इज अबाउट टैगा और कोनीफेरस फॉरेस्ट. सो राइट अबाउट टैगा और कोनीफेरस फॉरेस्ट. दीज आर फाउंड बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ एंड मीन्स नॉर्थ. ओके 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ. फुल स्टॉप. टॉल इट मीन्स इसके जो ट्रीज होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, लंबे होते हैं पेड़ इसके. टॉल कोनीफेरस ट्रीज सच एज फिर स्प्रस एंड पाइन फाउंड हेयर. ओके द ट्रीज आर एवर ग्रीन. पेड़ हमेशा हरे रहते हैं एंड लीव्स आर नीडल शेप्ड. ओके और इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो नीडल शेप्ड में होती हैं. दे यील्ड वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड. ओके दे यील्ड वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड. फुल स्टॉप. नेक्स्ट हेडिंग ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट. दे ऑकर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. This region has a long dry winter season and the trees shade their leaves. Full stop. The forest also called monsoon forest. In तरह के forest को monsoon forest भी कहा जाता है. Tropical deciduous forest को comma is less dense than the equatorial forest. और ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से कम घने होते हैं. लेस डेंस देन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद फ्यूअर स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. फुल स्टॉप. टीक सॉल सैंडलवुड आर फाउंड हेयर. यहाँ पर टीक सॉल और सैंडलवुड जो है पेड़ है, वेजिटेशन है, वो पाए जाते हैं.
नेक्स्ट एडिंग थॉर्नी डेजर्ट वेजिटेशन, ये डेजर्ट एरिया जहां पर रेगिस्तान भूमि होती है, थॉर्नी डेजर्ट वेजिटेशन इन साउथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन बी फाउंड एरियाज वेयर रेनफॉल इज लो कॉमा सच एज अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, टाइबेट डेजर्ट इस मीन तिब्बत. सम प्लेट्यू रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया हैव दिस वेजिटेशन. ओके फुल स्टॉप. थॉर्नी स्क्रब्स, वुशेस, क्लम्स ऑफ ग्रासेस एंड डेट पाम्स आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड हेयर. फुल स्टॉप. लार्ज एरियाज विथ सैंडी और रॉकी डेजर्ट्स विदाउट वेजिटेशन कवर characterize this type of vegetation. Full stop. Last heading of this question, tropical rainforest or equatorial forest. They are found in the equatorial regions of Malaysia. इस तरह के forest जो हैं equatorial region जो है वो Malaysia में है, Indonesia में है, okay, जहाँ से equator line pass होती है, okay. दे आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया. फुल स्टॉप. फॉरेस्ट हेयर हैव अ टॉल एंड थिक कैनोपी. ओके फुल स्टॉप. ट्रीज आर एवरग्रीन एंड देयर इज नो ड्राई सीजन. फुल स्टॉप. हार्ड वुड ट्रीज सच एज रोज वुड, इवोनी एंड माहोगैनी आर फाउंड हेयर. फुल स्टॉप. सो स्टूडेंट्स यू विल कंप्लीट. You will write now question number C. You have completed question number B of question number 7. So next question of this chapter, detail question. Describe the flora and fauna of tropical rainforest. It means tropical rainforest ke flora aur fauna ko hume describe karna hai. So right answer of this question. Okay, start writing. The flora of our tropical rainforest include evergreen trees and a variety of plants such as rosewood, ivony, mahogany, creepers and climbers. Full stop. Trees are evergreen and tall and form a thick canopy. Full stop. Some areas have plantation of cocoa, etc. The fauna include a variety of birds, butterflies, insects, and reptiles and monkeys. Full stop. So this is about flora and fauna. So students, you have written the question answer of chapter 6, detailed question and answer. Okay, so it's enough for today class. Okay.